भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक और मुरादाबाद के पूर्व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की हार पर उसका बचाव किया है। अजहर ने कहा कि फाइनल मैच में सभी खिलाड़ियों को कड़े मुकाबले की उम्मीद थी। अजहर ने टीम इंडिया का बचाव करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान ने हर क्षेत्र में बढ़िया प्रदर्शन किया। कुंबले कोहली विवाद पर निराशा जताते हुए अजहर ने कहा कि जब दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया तो कोच के पद से इस्तीफा देने का फैसला सही है। हमने कोशिश की हमारी टीम ने बहुत अच्छी तरह से, लेकिन पाकिस्तान की टीम उस दिन बहुत अच्छा खेली, क्योंकि उनका जो प्रदर्शन था बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में, तीनों का बहुत अच्छा था। हमने तीनों बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में हम चूक गए। क्या वैसे मानते हैं इतना हो जाता है, एक आध दिन आ जाता है जहाँ पे आपका कुछ नहीं चलता है, बट लेकिन अब जैसा हारने के बाद तो काफ़ी कितनी होती है, लोग के अलग अलग व्यूज आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम ये मान के चलना चाहिए कि हम दूसरी टीम हमारे से अच्छा खेलेंगे। कोच का जो डिसीजन था, मैंने समझता हूँ उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टीम तो अच्छा ही खेल रही थी, बट एक मैच जैसा हो जाता है। गौरतलब है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन 2009 में मुरादाबाद से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2014 में कांग्रेस ने अजहर की जगह बेगम नूर बानो को मैदान में उतारा था, लेकिन वो हार गईं। अब ऐसा लगता है कि अजहर एक बार फिर मुरादाबाद में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। शायद इसलिए 21 जून को उन्होंने मुरादाबाद में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। स्पोर्ट्स आर की रिपोर्ट।